Hey guys, assalamu alaikum, Ehsan Yusuf, and I welcome you all once again to my channel, jiska naam hai Sanchat. Wow. Aaj ka topic bahut hi interesting sa hai. Iske hawale se bahut sare comments aur DM aaye. Topic hai accommodation in Germany for international students. Obviously, jab aapke paas admission aa jata hai, aapka visa lag jata hai, jab aap yahan aate ho, admission is not enough. Ghar to chahiye rehne ke liye. तो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए. देखो, जब तुम लोगों को मेल आ जाए किसी भी यूनिवर्सिटी से कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिस एक्स वाई जेड कि आपका एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, वेदर इज समर और वेदर इज विंटर सेशन, तो उसके बाद आप लोग पता क्या करते हो, सबको कॉल करते और सबको बताते हो कि आपका एडमिशन हो चुका है. याहू, लेट्स डू पार्टी. यार भाई, उस मेल को पढ़ने में और उस कॉल को करने के बीच का जो वक्त है ना, उसमें आप लोगों को अकोमोडेशन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जितना मुश्किल एडमिशन लेना है उतना ही मुश्किल अकोमोडेशन का सीन. यहाँ पे देखो, अप्लाई करना इस वे सिंपलर, लेकिन जो वेटिंग टाइम है इट्स टू मच. अब लोग आराम से वीजा अप्लाई करके फिर कहते हैं आहा, लेट्स अप्लाई फॉर अकोमोडेशन, फिर काफी लेट हो चुका होता है. तो जैसे ही आपका एडमिशन आए, कहने का मतलब वैसे ही आपको अकोमोडेशन अप्लाई कर देना चाहिए. अब अकोमोडेशन अप्लाई करना कैसे है देखें. सबसे पहले तो सीन सिर्फ दो ही हैं, इट्स वे सिमिलर. पहला ऑप्शन आपके पास होता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो कि स्टूडेंट डॉर्मेटरीज होती हैं, स्टूडेंट डॉर्म, और जिसको हम सिंपल कह सकते हैं स्टूडेंट हॉस्टल. ठीक है, वहां पे आपको आपका रूम मिल सकता है, जो कि एक चीप ऑप्शन भी है और सबसे अच्छा ऑप्शन भी है. एंड नंबर सेकेंड, अगर तो वो अवेल नहीं हो सकता ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन और लॉन्ग वेटिंग टाइम, इसके बाद आपके पास आ जाता है प्राइवेट ऑप्शन, जो कि आपको प्राइवेटली सर्च करने हैं. आज के इस वीडियो में हम दोनों चीजों को देखेंगे. तो सबसे पहले, जो कि स्टूडेंट डॉर्म्स हैं, वो आपको ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट इन वर्क से. आपने क्या करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए आपका, जिस भी सिटी में हो, लेट्स से बर्लिन में, तो आपको जस्ट गूगल करना है स्टूडेंट इन वर्क बर्लिन, और बर्लिन से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल होंगे वहां पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ये सारा सीन ऑनलाइन होगा. ठीक है, देन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं और फिर आपका वेटिंग टाइम होता है और फिर छोड़ दें और फिर पार्टीज करते रहें. अप्लाई करना कैसे है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल बच्चन नहीं हूं, मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली उस वेबसाइट को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है. तो आइए इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं. भाई लोग, सीन बड़ा सिंपल है. सबसे पहले गूगल करना है, जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट इन वर्क, लेट्स से हम कील ले लेते हैं क्योंकि मैं कील का स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट इन वर्क कील. अब यहां इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों ने खोलनी है और ये आपका आ जाएगा अच्छा खासा ओवरव्यू. फिर से टेंशन नहीं लेनी, जर्मन में है नो वरीज, इंग्लिश में इजिली कन्वर्ट हो जाती है, ये ट्रांसलेट हो गई इंग्लिश में. ओके, नाउ आपका टारगेट है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन पे जाए और अकोमोडेशन में आपको डॉर्मेट्री सर्च करनी है, मींस हॉस्टल सर्च करने है, और नीचे फिर एप्लीकेशन है, इसमें बाद में आएंगे हम. सबसे पहले डॉर्मेट्रीज. अब कील में स्टूडेंट हॉस्टल्स ये सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. अब इट्स नॉट इन कील, लाइक एक कील में है, एक ल्यूबिक में, एक फ्लिंसबर्ग में है, एक हाइडल में, जहां पे आपका एडमिशन हुआ है आपको वहां पे हॉस्टल सर्च करने. जैसे मैंने अभी कील के खोली और कील के यहाँ पे 9 हॉस्टल आ गए, और कहीं पे भी आप टारगेट कर सकते हो, ये सारे हॉस्टल कील में. लेट्स से मैं पे हाहा, जहां पे मैं रहता था जब मैं स्टूडेंट था, मैं उसको खोलता हूं और यहां पे आपको सारी, सॉरी मैंने AOH खोल दिया, EOH खोल दिया, वेल एनीवेज, तो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उस हॉस्टल के हवाले से आ जाएगी कि कितने रूम्स हैं, कितने प्राइवेट रूम्स हैं, कितने शेयर्ड रूम है, एंड एक्स वाई जी, प्लस उसका रेंट एवरेज कितना है, 207 यूरो. इसके साथ साथ आप लोग तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वो रूम या डॉर्म कैसे दिखती है, राइट. एंड देन गूगल मैप पे आप लोकेट भी कर सकते हैं कि कितना दूर या कितना नजदीक यूनिवर्सिटी से है. अब आते हैं एप्लीकेशन की साइट पे. एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखती है, इट्स वे सिंपलर. कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल डालनी है, किस सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, खील में, और आप क्या इंटरेस्टेड हो, लाइक आई सेड फर्निश्ड रूम या फर्निश्ड रूम इन अ फ्लैट,
या फर्निश अपार्टमेंट. अपार्टमेंट आपका पूरा पर्सनल होगा, रूम सिर्फ आपको एक रूम दिया जाएगा. एंड आई रादर से ऑलवेज गो फॉर फर्निश. अनफर्निश में बहुत मसला हो जाता है क्योंकि कोई फर्नीचर नहीं होता, खाली जमीन दे देते हैं आपको जैसे कि. सो जब आपने ये अपने ऑप्शन पुट कर लिए है, फिर हम आते हैं अवेलेबल चॉइसेस फॉर स्टूडेंट रेजिडेंट. मतलब आप किस हॉस्टल में, जैसे कि हमने कील में देखा 9 हॉस्टल थे, तो किस हॉस्टल में आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी 3 प्रायोरिटीज दे देते हैं और वो कोशिश करते हैं तीनों में से किसी एक में आपको रूम दे दिया जाए. एंड देन लेट्स से मैंने ये 3 सिलेक्ट कर लिया, एंड देन दे आस्किंग फॉर द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है. लाइक हमारा एडमिशन पाखोक्शुले कील में हुआ था, और किस सेमिस्टर में हुआ है, लेट्स से समर सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, और कितना मिनिमम अमाउंट है आपके जहन में कि आप अफोर्ड कर सकते हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 300 यूरो, लेकिन उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है कि इतना कितना एवरेज रूम मिलता है. इसके साथ साथ आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है यहाँ पे, और एट द एंड होम एड्रेस आप ऑब्वियसली पाकिस्तान का लिखेंगे, एंड देन कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एंड दैट्स इनफ. बस के बाद सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो आपको सिर्फ सेंड का बटन दबाना है, और ये लो आपकी एप्लीकेशन फॉर द डॉर्मेट्री इन कील सेंड हो चुकी. थाना सिंपल, बस इतना ही करना है. अभी आपने अप्लाई कर लिया जिस भी यूनिवर्सिटी में हुआ है, फिर लैपटॉप को बंद करना है और पार्टीज करने या कॉल करने निकल जाना है. तो ये आप अप्लाई कर लेंगे यूनिवर्सिटीज में. डन. अब मसला पता है क्या है, इनका वेटिंग टाइम बहुत तवील होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था अपनी पहली वीडियो में जब मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा था स्टडी लाइफ इन जर्मनी का, कि हर साल 3.5 लाख बंदा जर्मनी में पढ़ने आता है और 3.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, और हर किस मोस्टली ऑब्वियसली इनकी प्रायोरिटी होती है कि उनको घर मिल जाए, डॉर्म मिल जाए, या तो सोच लो कि कितना चैलेंजिंग होगा. तो अगर तो आपको जाने से पहले अगर रूम मिल जाता है, यू आर लकी इनफ. अदरवाइज इनका वेटिंग टाइम 3 महीने, इवन तो एक एक सेमेस्टर तक होता है. लेट्स से कि चलो आपका वीजा लग गया, आप जर्मनी पहुंच रहे हो, आप रूम आपको नहीं मिला यहाँ पे, तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेटली सर्च करना. अब मैं प्राइवेटली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं सबको तो जाके यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करूंगा, बट लिंक्स उनके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अब वहां पे क्या है, जैसे कि वेगे गिजूट इज वन ऑफ द फेमस वेबसाइट जिसमें आप अपना अपने लिए रूम या अपार्टमेंट इजिली सर्च कर सकते हैं. और दूसरा, अगर तुम वहां पे भी नहीं, Airbnb, जो कि लोग अपना अपार्टमेंट में रूम आपको सबलेट करते हैं, और इसी तरीके से काफी ऑप्शन है. वंस यू आर हियर आप यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दें, लेकिन ये पाकिस्तान से नहीं हो सकता. पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटली सर्च करने में आपको उस जगह पे होना, विजिट करना और लैंडलॉर्ड से बातचीत करना बहुत जरूरी है. वो रिमोटली आपको एंटरटेन नहीं करते. अब आप आ तो गए हैं, लेकिन आप रहेंगे कहाँ, क्योंकि तो आप सिंपली होटल में रह लें. Yeah, I know one of the hotel, क्योंकि मैंने वो बहुत यूज किया अपने स्टूडेंट टाइम में, A&O के नाम से, हॉस्टल कह लें उसको. रूम्स आर वेरी चीप, लाइक वो स्टार्ट होते हैं 8 यूरो से, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं. तो स्टार्टिंग के डेज वहां पे गुजार लें, या तो आने से पहले फेसबुक पेज स्टडी लाइफ इन जर्मनी वहां पे आप पोस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इज वेरी 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 स्ट्रांग. शायद वो आपको अकोमोडेट कर ले या कोई रास्ता बता दें, ठीक है, वो अपना रूम भी सबलेट कर लेते हैं. तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है. तो वीडियो का एंड करते हैं. सबसे पहले अगर आपके पास एडमिशन लेटर आ जाए, इसके बाद आपको सीधा सीधा स्टूडेंट डॉर्म में वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर देना है. और अगर तो आपका वीजा लग जाए और आपको अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं आया स्टूडेंट इन वर्क से, तो आपने क्या करना है, आपको हिट करना है फेसबुक, आपको हिट करना है प्राइवेट वेबसाइट, और वहां पे आपको अपना रूम सर्च करना है. सो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी. बहुत शॉर्ट, बहुत सिंपल, आई शायद बहुत जल्दी भी होगी, बट आई डोंट नो, लेट्स सी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर तो वीडियो पसंद आई है, और वो सारे स्टूडेंट जो कि अकोमोडेशन के हवाले से परेशान है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें, और ताकि सबका ज्यादा फायदा हो. और थैंक यू सो मच. मजीद जो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंस्टा में DM करें. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में.